हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है धूम थ्री तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं तुम थ्री जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ब्लास्ट थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जहाँ ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ बहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है

का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेकी श्रोप ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया विक्टोरिया का रोल प्ले किया हुआ वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटागोनिस का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमेव जयते उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में, में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई 2012 को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरी टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमेक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कोंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हजार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को एस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम एक्टर फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फ़िल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फ़िल्म को करीबन 4500 स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगू वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें 750 स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन 250 सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फ़िल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन 556 करोड़ पॉइंट चौवन लाख का एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो तो था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पांच तो तो करोड़ तक करोड़ कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और फ्रेंचाइज की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईएस्ट स्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहां पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट के ऊपर तो दोम थ्री के ओ टी टी राइट है वो एमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलुगु की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जितिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नो गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना के उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए पी जय दीक्षित के रोल को रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की आ, काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रूमेंट आने वाला है जहाँ पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यशरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जेके सरौ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई दो हज़ार बारह को तब यशरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यू के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीक मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरीचर टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमेक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में धुम थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कोंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायरल म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज़ 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम एक्टर फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई मेक्स में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन हंड्रेड के आसपास उस समय में रिलीज़ किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फ़िल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन से और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन 556 करोड़ पॉइंट चौवन लाख का फिल्मों में एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस दस दिनों में कंप्लीट किया था इस इस फिल्म फिल्म ने ने जिस कदर इस जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पांच तो तो करोड़ तक करोड़ कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वार्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैंतालीस हज़ार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फ़िलहाल में भी हाईस्क्रॉसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी राइट्स है वो एमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलुगु की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पर धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर

थ्री ये एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जहाँ ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमेम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ बहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना के उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पी जय दीक्षित के रोल को रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोप ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटागोनिस का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से फिल्में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सरौफ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई दो हज़ार बारह को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेचर टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हजार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिकवेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसके गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर दो हज़ार तेरह को वायरेप म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ आ गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने करीबन पाँच करोड़ पॉइंट चौवन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइप की वन ऑफ द टाइम की वन ऑफ ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीबन एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म में जो कलेक्शन किया था वो ताबड़तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया कर था तमिल तेलुगु व्यर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्डवाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच सौ छप्पन पॉइंट चौहत्तर करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह सौ करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टेग लिया ब्लॉकबस्टर का टेग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आई के ऊपर करीबन पाँच की रेटिंग हासिल हुई दस में से जहां पे करीबन से हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज़ की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहाँ पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईस्क्रॉसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइड्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलुगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिकवल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमेम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिला रहे टोटल नो गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ बहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना कैफ उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पी जय दीक्षित के रोल को रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके स्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की आ, काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्टॉलमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेस करते हुए नज़र आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से फिल्में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टी शो था सत्यमय जय थे उसकी कम्प्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जेके सरोप सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया 12 दो जुलाई 2012 को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेचर टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 को रेप अप किया गया था सुबरबन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो एक क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जूनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर 2013 को वायरफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से, एक्टर से धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन 4500 स्क्रीन्स स्क्रीन मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें 750 सौ के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन 250 सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिने पोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर करीबन दो हज़ार स्क्रीन से और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन 556 करोड़ पॉइंट चौवन लाख का साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यू डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच तो तो करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और यह धूम फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईएस्ट स्क्रॉसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइट्स है वो एमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पे प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है

हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेकी श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमेव जयते उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यशरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई 2012 को तब यशरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरी टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में लाले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हजार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को एस सर्टिफिकेट सा के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फ़िल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में शेयर किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन थे और चार सिटीज में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पांच करोड़ छप्पन चौवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था और और उस वन उस टाइप की की वन उस वन ऑफ ऑफ द टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े, बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन डो यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन पांच फिल्म छप्पन तो करोड़ तक कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज़ की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहाँ पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फ़िलहाल में भी हाईस्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइड्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री पे फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पे प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिकवल धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहां पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्ण आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमेम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है

अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे हैं कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटागोनिस का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से फिल्में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यशराज स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सरौफ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई दो हज़ार बारह को तब यशराज स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेच टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हजार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से ले लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सीक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसके गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले, धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम एक्टर फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ आ गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन 556 करोड़ पॉइंट चौवन लाख का साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यू डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यू डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक कि ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच तो तो करोड़ तक क्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और यह धूम फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईएस्ट स्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पर वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो दोनों तरीके के ओ टी टी राइट है वो एमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलुगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पर धूम थ्री को फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर करवाया जाएगा। तो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि थ्री फिल्म अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो वीडियो के ऊपर देख सकते हो। हिंदी मिलते तीन वर्जन में। वी जो हिंदी वर्जन है वो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन करे तो होता है थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिकवल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमेम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ बहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना कैफ उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पीजय दीक्षित के रोल को रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्टॉलमेंट आने वाला है जहाँ पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से फिल्में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमेव जयते थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यशरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जेके सरोप सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया 12 दो जुलाई 2012 को तब यशरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यू के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेचर टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से ले लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गाने को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में लाले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर 2013 को वायरफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट सा के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के, के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आईमेक्स फॉर्मेट में भी रिलीज किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और जिसमें सात सौ पचास स्क्रींस के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आईमेक्स में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन हंड्रेड के आसपास उस समय में रिलीज किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पांच करोड़ छप्पन चौवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था और उस उस टाइप की की वन उस की वन ऑफ ऑफ द टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडीबी के او پره تقریبا पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैंतालीस हज़ार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फ़िलहाल में भी हाई स्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी ट्री राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी राइट्स है वो एमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पे प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिकवल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहा पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जूलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ बहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन केटरीना के उदय के चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहाँ पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पीजय दीक्षित के रोल को रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की आ, काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेज करते हुए नज़र आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सरव सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई 2012 को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू री स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में धुमथ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पर पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सीक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ललित पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर दो हजार तेरह को वायरल म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज़ 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम एक्टर फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आईमेक्स फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पर इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और इसमें सात सौ स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन हंड्रेड के आसपास उस समय में रिलीज क्या गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन 556 करोड़ पॉइंट चौवन लाख का एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस इस फिल्म फिल्म ने जिस कदर ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन पांच फिल्म छप्पन तो तो करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज़ की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहाँ पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फ़िलहाल में भी हाई स्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइड्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है और स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगू डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पे प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक वाले धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जहाँ ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जूलियस ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिले टोटल नो गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना कैफ उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पीजय दीक्षित के रोल को रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके स्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टूबर जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटागोनिस का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायरप के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे फिल्म में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सरौ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई दो हज़ार बारह को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरी टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 को रेप अप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में धुम थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सीक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 की रखी गई थी और फिल्म को सर्टिफिकेट सा के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स थे धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आईम फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को तकरीबन 4500 स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और जिसमें 750 स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में तकरीबन 250 स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई मैक्स में काफी मैक्सिमम टिकट प्राइस तकरीबन 900 के आसपास उस समय में रिलीज किया गया था एक टिकट का प्राइस 900 था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिने पोलिस पुणे में शेयर किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पाँच करोड़ पॉइंट चौवन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइप की वन ऑफ और उस टाइम की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े, बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीबन एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म में जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छ करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टेग लिया ब्लॉकबस्टर का टेग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई हुई है, दस में से जहाँ पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज़ की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहाँ पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईस्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम मीडिया के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पर धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जहाँ ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने किए हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमेम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना कैफ उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पीजय दीक्षित के रोल को रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेकी श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की आ, काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्टॉलमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटागोनिस का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सरोफ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई 2012 को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेचर टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 को रेप अप किया गया था सुबरबन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सीक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ललित पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवाँ गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज बीस दिसंबर दो हजार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से, एक्टर से धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फ़िल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पर इंडिया में फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन मिले हुए थे फिल्म को आई में काफी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिने पोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन थे और चार सिटीज में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पांच करोड़ छप्पन चौवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था और उस उस टाइप की की वन और उस की वन ऑफ ऑफ द टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस इस फिल्म फिल्म ने ने जिस कदर इस जो इसमें ताबोड़ोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो सौ करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार सौ करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो हजार तेरह में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच तो तो करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और यह धूम फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईएस्ट स्क्रॉसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे है वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहां पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइट है वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर करवाया जाएगा। तो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि थ्री फिल्म अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो वीडियो के ऊपर देख सकते हो। हिंदी तीन वर्जन में। जो हिंदी वर्जन है वो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन करे तो होता है ब्लास्ट थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक वाले धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नो गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी फिल्म दो घंटे बावन मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान, अभिषेक बच्चन केटरीना के उदय के चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहाँ पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पी जय दीक्षित के रोल को रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेज करते हुए नज़र आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टी शो था सत्यमय जय थे उसकी कम्प्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में जॉइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जेके सरोप सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई 2012 को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरीचर टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिकवंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में लाले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर 2013 को वायरफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज बीस दिसंबर दो हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट सा के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स थे धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन 4500 स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें 750 सौ के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन 250 सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिने पोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फ़िल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर करीबन दो हज़ार स्क्रीन थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पाँच करोड़ पॉइंट चौवन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइप की वन ऑफ द उस टाइम की वन ऑफ ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीबन एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबड़तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो सौ करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगू वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच सौ छप्पन पॉइंट चौहत्तर करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह सौ करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टेग लिया ब्लॉकबस्टर का टेग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आई के ऊपर करीबन पाँच की रेटिंग हासिल हुई

पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगू डब्ब वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री पे फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पे प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जितिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना कैफ उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए पी जय दीक्षित के रोल को रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की आ, काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रूमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यशरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जेके सरौ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई दो को तब यशरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीक मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरी टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमेक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में धुम थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कोंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूज़िक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज़ 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम एक्टर फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फ़िल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई मेक्स में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फ़िल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन 556 करोड़ पॉइंट चौवन लाख का ग्रोस ग्रोसिंग फिल्मों में एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े, बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस दस दिनों में कंप्लीट किया था इस इस फिल्म फिल्म ने ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन पांच फिल्म छप्पन तो तो करोड़ तक कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ઉપર કરીબન पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैंतालीस हज़ार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और ये धोम फ्रेंचाइज की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फ़िलहाल में भी हाईस्क्रॉसिंग फिल्मों में पहले पायदान पे वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहाँ पे अब हम बात करें ओ टी राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी राइट्स है वह अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पर धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर

थ्री ये एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिकवल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहां पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने किए हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जूलियस पेकमे हम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिला ले टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना के, के उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पी जय दीक्षित के रोल को रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटागोनिस का लीड एंटागोनिस का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्रेज करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करे नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से फिल्में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमय जय थे उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सरौफ सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई दो हज़ार बारह को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेचर टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हजार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सीक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसके गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में ले पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले, धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले, धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायरल म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के, के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम फ्रेंचाइज थी तो और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन पैंतालीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पर और इसमें सात सौ पचास स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन ढाई सौ स्क्रीनस मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज़ आ गया था एक टिकट का प्राइस नाइन हंड्रेड था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक का रिलीज मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिने पोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन्स थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पांच करोड़ छप्पन चौवन लाख का कलेक्शन किया हुआ था और उस उस टाइप की की वन उस की वन ऑफ ऑफ द टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े, बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीब एक बिलियन यू डॉलर का कलेक्शन तीन दिनों में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक कि ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच करोड़ तक क्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छह करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टैग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहां पे इस फिल्म को आईएमडीबी के ऊपर करीबन पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे करीबन सैतालीस हजार वोट फिल्म को मिले हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाका मचाया हुआ था और यह धूम फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई थी जहां पे आमिर खान ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी उसके बाद में आमिर खान ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा था दंगल फिल्म के साथ जो फिलहाल में भी हाईएस्ट स्क्रोसिंग फिल्मों में पहले पायदान पर वर्ल्ड वाइड के लेवल के ऊपर जहां पे अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो धोम थ्री के ओ टी टी राइट है वो एमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पर सेटेलाइट राइट से है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलुगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पर धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर

थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिकवल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जहाँ ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीज़ें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमेम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिला रहे टोटल नो गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक सौ बहत्तर मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बावन मिनट की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन कैटरीना कैफ उदय चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पी जय दीक्षित के रोल को रिप्रेस करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके स्रोफ ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की आ, काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रॉमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करें बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेस करते हुए नज़र आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से फिल्में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टी शो था सत्यमय जय थे उसकी कम्प्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यसरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जेके सरोप सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया 12 दो जुलाई 2012 को तब यसरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यूएस के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जू रेचर टी सी में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबरबन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो एक क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कंट्राडाम से लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और वो उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में पहला गाना था मलंग दूसरा गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जुनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले, धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली आठ दिसंबर 2013 को वायरफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हज़ार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से, एक्टर से धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन 4500 स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें 750 सौ के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन 250 सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक कर रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिने पोलिस पुणे में सेट किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पर करीबन दो हज़ार स्क्रीन थे और चार सिटीज़ में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली ये फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पाँच करोड़ पॉइंट चौवन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइप की वन ऑफ द उस टाइम की वन ऑफ ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीबन एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन में कंप्लीट किया था जहां पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कंप्लीट किया था इस फिल्म ने जिस कदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था तमिल तेलगू वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच सौ छप्पन पॉइंट चौहत्तर तो तो करोड़ तक क्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वार्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छः सौ करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टेग लिया ब्लॉकबस्टर का टेग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आई के ऊपर करीबन पाँच की रेटिंग हासिल हुई

पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलुगु डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पर तमिल तेलुगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पर धूम थ्री फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पर प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ तो देख सकते हो हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में विध इंग्लिश टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन सॉरी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा धूम थ्री जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ब्लास्ट थ्री एक 2013 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म धूम धूम टू का सिक्वल है धूम 2004 में आई थी जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उस सीरीज़ का अगला इंस्टॉलमेंट धूम टू नाम के साथ 2006 में आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था धूम वन में जॉन अब्राहम लीड रोल में विलन के रोल में थे धूम टू में विलन के रोल में थे जहाँ ऋतिक रोशन और धूम थ्री में थे आमिर खान तो बाकी अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा अपना रोल रिप्लेस करते रहे बाकी सभी एक्टर्स चेंज होते गए जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है विजय कृष्णा आचार्य ने स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा विजय कृष्णा आचार्य का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें विजय कृष्णा आचार्य ने ही की हुई है फिल्म को आदित्य चोपड़ा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सौ करोड़ के हाई बजट में इस फिल्म को यशराज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म के टेक्निक सॉरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए थे हर फिल्म की तरह इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी ने की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सलीम सुलेमान और जुलियस पेकमैम ने दिया हुआ है सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे फिल्म के साउंड ट्रैक को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था फिल्म में सभी वर्जन मिलल है टोटल नौ गाने फिल्म को हिंदी और के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी वर्जन में फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी इसके अलावा इस फिल्म की एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे मिनट देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है लीड कास्ट की बात करें तो आमिर खान अभिषेक बच्चन केटरीना के उदय के चोपड़ा देखने को मिलेंगे जहां पे आमिर खान ने साहिर खान और समर खान का डबल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर उनका जो यंगर वर्जन था यानी कि यंग साहिर खान यंग समर खान वो रोल सिद्धार्थ निगम को दिया गया था अभिषेक बच्चन आपको हर बार की तरह इस पार्ट में भी ए सी पीजय दीक्षित के रोल को रिप्रेज करते हुए नजर आएंगे कैटरीना के अपने आलिया हुसैन का रोल प्ले किया हुआ था उदय चोपड़ा को सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान का रोल दिया गया था जेके श्रोक ने इकबाल हरुण खान का रोल प्ले किया हुआ है तबरेट वेथेल ने इस फिल्म में डिटेक्टिव विक्टोरिया विलियम्स का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रियन बेकनेल ने इस फिल्म में मिस्टर एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर विकास श्रीवास्तव ने तमिलियन डॉन का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की काफी बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज के साथ स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म को दो अक्टू जनवरी 2011 को अनाउंस किया गया था कहा गया था कि इस फिल्म का इंस्ट्रोमेंट आने वाला है जहां पे क्रिसमस 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा जहां पे शायद वो इनिशियली प्लानिंग कर रहे कि आमिर खान को इसमें कास्ट करे बाद में सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई कास्टिंग के ऊपर आमिर खान को मेन एंटा का लीड एंटा का रोल दिया गया था वहीं पर बाकी जो एक्टर्स है वो पहले पार्ट से अपना रोल रिप्लेस करते हुए नजर आए थे इस फिल्म को थ्री में क्रिएट किया गया था वायर के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यह फिल्म थ्री में आने वाली है फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें नवंबर 2011 को इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे से में उसकी शूटिंग वहां से स्टार्ट की गई थी वही पहला शेड्यूल था उसके बाद में जनवरी 2012 में फिल्म का एक शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसमें आमिर खान को लिया गया था और उनका जो टीवी शो था सत्यमेव जयते उसकी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो शेड्यूल जून महीने में ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद में आगे के काम पोस्टपोन किए गए थे आमिर खान की वजह से धीरे धीरे सभी चीज़ें उनकी बॉडी जो थी जिमनास्ट की ट्रेनिंग चाहिए थी जिस तरह का किरदार था उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों में थोड़ा काम किया उनकी तलाश फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस दिया हुआ था उसी बीच में यशरा स्टूडियो मुंबई में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही थी इन सभी चीज़ों के बीच में जहाँ पे जे की सिद्धार्थ निगम जैसे जो एक्टर्स की शूटिंग थी वहाँ पे वो फिल्म आई गई थी जुलाई महीने में जब आमिर खान ने सेट ज्वाइन किया बारह दो जुलाई 2012 को तब यशरा स्टूडियो में पाँच दिनों का शेड्यूल सेट किया हुआ था उसके बाद में शिकांगो में कुछ पार्ट की शूटिंग की गई थी दूसरे यू के अदर पार्ट्स में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी जहाँ पे इस फिल्म में आमिर खान अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा के साथ जितने भी सीन्स थे यूएस के वो चार अगस्त दो तक पूरी तरह से तीन महीने के शेड्यूल में कंप्लीट करवाए गए थे इंडिया में दिसंबर 2012 से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अभिषेक बच्चन ने कहा था कि 50 परसेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाकी की शूटिंग मुंबई से रिज्यूम की जाएगी सेकंड वीको मार्च दो में इस फिल्म की शूटिंग को जूरी टी स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था कुछ क्लाइमैक्स पोर्सन था वहीं पे इस फिल्म को फाइनली 14 सितंबर 2013 हज़ार तेरह को रेपअप किया गया था सुबर्बन स्टूडियो मुंबई से इसके अलावा इस फिल्म में थ्रे में जो क्लाइमेटिक सीन्स क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है वो आर्कडाम और कोंट्राडाम से ले लिया गया स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था वहीं पे पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था और उसी जगह का एक गोल्डन आई करके 1995 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जेम्स बॉन्ड की वही सिक्वेंस इस फिल्म में भी डाला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो वायर एफ स्टूडियो में इसको के गानों को रिकॉर्ड्स किया गया था वायर एफ म्यूजिक के पास ही राइट्स थे जहाँ पे आदित्य चोपड़ा के द्वारा इस गानों को प्रोड्यूस किया गया था म्यूजिक को प्रीतम ने कंपोज किया हुआ था जहाँ पे टोटल नौ गाने थे सभी वर्जन में पहला गाना था मलंग दूसरा गाना गाना था कमली तीसरा गाना था तू ही जूनून चौथा गाना था धूम मचाले धूम पांचवा गाना था बंदे हैं हम उसके छठा गाना था धूम टेप सातवा गाना था धूम थ्री ओवर ट्यून आठवा गाना था धूम मचाले धूम अरेबिक वर्जन नौवा गाना था धूम मचाले धूम स्पेनिश वर्जन तो इस तरह से इतने गानों को क्रिएट किया गया था जहाँ पे ये सभी गानों को ऑफिशियली 8 दिसंबर 2013 को वायर एफ म्यूजिक के द्वारा अवेलेबल किया गया था और ये सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली थी क्योंकि गाने पहले ही सक्सेसफुल साबित हुए जिस वजह से एक मार्केट में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ था और फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे एक बस क्रिएट करने में कामयाब रही थी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को काफ़ी पोस्टपोन किया गया था शूटिंग के वक्त इस वजह से फिल्म की रिलीज 20 दिसंबर 2013 हजार तेरह की रखी गई थी और फिल्म को एस सर्टिफिकेट सा के साथ रिलीज़ किया गया जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था गानों की वजह से कैटरीना के आमिर खान जैसे एक्टर्स से धूम फ्रेंचाइज थी और यशराज की फिल्म थी इस वजह से फिल्म को काफ़ी बज़ मिला हुआ था और फिल्म ने काफ़ी बड़ी रिलीज़ हासिल की थी उस समय के हिसाब से और इस फिल्म को आई फॉर्मेट में भी रिलीज़ किया गया था और पूरी तरह से एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को और जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे जहाँ पे इंडिया में इस फिल्म को करीबन 4500 सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे तमिल तेलुगु वर्जन को मिला के वहीं पे और इसमें 750 सौ स्क्रीन्स के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था और धूम थ्री को वेस्ट बंगाल में करीबन 250 सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे फिल्म को आई में काफ़ी मैक्सिमम टिकट प्राइस करीबन नाइन के आसपास उस समय में रिलीज किया गया था एक टिकट का प्राइस नाइन था तो इस वजह से इस फिल्म को काफ़ी बड़ा है। एक का रिलीज़ मिला हुआ था और इस फिल्म के करीबन चौवन सो थे वो सिनेपोलिस पुणे में शेयर किए गए थे और ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड उस समय दर्ज किया हुआ था बाद में इजिप्ट पेरू जर्मनी मलेशिया जैसे अलग अलग मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और चाइना में भी फिल्म को पच्चीस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे करीबन दो हज़ार स्क्रीन थे और चार सिटीज में चाइना में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इंडिया की तरफ से जाने वाली चाइना में डब होकर रिलीज़ होने वाली फिल्म एक सबसे बड़ी उस समय की रिलीज थी और उस कदर फिल्म ने कलेक्शन भी किया जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने करीबन पाँच करोड़ पॉइंट चौवन लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और उस टाइप की वन की वन ऑफ ऑफ उस टाइम की, की हाईस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में ऐसे एक फिल्म साबित हुई थी जहां पर इस फिल्म ने काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और उस चेन्नई एक्सप्रेस को आसानी से सरपास करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ट्रेडमार्क हासिल किया और एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था फिल्म ने करीबन एक बिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन तीन में कम्प्लीट किया था जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस ने चार दिनों में किया था दो बिलियन यूएस डॉलर दस दिनों में कम्प्लीट किया था इस फिल्म ने जिस फिल्म में जो कलेक्शन किया था वो ताबोड़ तोड़ था इस फिल्म ने सिर्फ पहले तीन दिनों के अंदर ही दो करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था तमिल तेलुगू वर्जन को मिला के और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड का दस दिनों का कलेक्शन था वो करीबन चार करोड़ था और हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी उस समय की अभी तक दो में जितनी भी फिल्में आई हुई थी तब तक ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया और उसके बाद में करीबन ये फिल्म पाँच सौ छप्पन पॉइंट चौहत्तर करोड़ तक ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो करीबन छः सौ करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है तो इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने इतना बेहतरीन कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक प्रॉपर हिट का टेग लिया ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था जहाँ पे इस फिल्म को आई के ऊपर करीबन पाँच की रेटिंग हासिल हुई

pase तमिल तेलगू और हिंदी तीनों वर्जन के वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के पास है सभी तीनों वर्जन की बात कर रहा हूं तो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी मेन लैंग्वेज के साथ साथ तमिल तेलगू डब्ड वर्जन में धूम थ्री फिल्म ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे फिल्म का टेलीविजन वर्जन आपको हिंदी में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे तमिल तेलगू की जो स्टार नेटवर्क की चैनल है वहाँ पे धूम थ्री पे फ्री फिल्म को फ्री में उस रिस्पेक्टेड लैंग्वेज चैनल पे प्रीमियर करवाया जाएगा okay, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि धूम थ्री फिल्म अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी तमिल तेलुगु तीन वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन सॉरी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा तो इस तरह से धूम थ्री फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनसन एनालिसिस करके दी हुई है वहीं पर इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक प्रॉपर जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा thank you